लोकसभा चुनाव 2024 में मिथिलेश पाठक को सांसद बनाए जाने का सपना लिए युवाओं के द्वारा निकाली गई महारैली में विभिन्न विधानसभाओं से लोग पहुंचे हुए थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि अब तक जो भी सांसद हुए हैं उन्होंने जनता को ठगा है, लेकिन मिथिलेश पाठक को देखकर यह उम्मीद जग रही है कि अब ऐसे ही व्यक्ति को सांसद के रूप में हमारा प्रतिनिधित्व करना चाहिए ताकि समाज और जिले का विकास हो सके। सांसद बक्सर का हमने अब की पारी था लगातार 2024 में भागलपुर विधायक 2024 में भागलपुर। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग मिथिलेश पाठक के समर्थन में हम लोग आए हैं। हम लोग मांग करते हैं कि 2024 में केंद्र का सरकार इनको टिकट दे, इनको हम लोकसभा विधायक करें। लगभग कितने लोग हैं यहाँ? अब जब देख लीजिए तो देखने वाली थोड़े चीज़ें हैं, यहाँ देख रही कितने हजारों के लोग समर्थन में है। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र कुमार दुबे। कहाँ से आए? केशोर प्रखंड से हम हैं। कौन विधानसभा? डुमरा विधानसभा। हम लोग चाहते हैं कि जो जैसे एक बाप का दो बेटा होते, एक जन्मा हुआ एक पाया हुआ, तो पाया वाला लोकसभा हम लोग सदस्य असोरी चुपे जान गए हैं, उनको बराबर ध्यान भागलपुर पर रहता है, इसलिए हमको 2024 से उनको श्राद्ध करके हम भागलपुर जाकर केंद्र रखें। क्यों इनके सोच को सलाम है बक्सर के जनता के, कि जिस तरह का ये सोच रखे हुए हैं, अगर उस तरह का विकास अगर हो जाए तो बक्सर का जनता उतना कल्पना भी नहीं किया है। बाकी हमारे सभी नेता ठीक है, लेकिन सोच सोच की बात है, इनके जो सोच है वो विकास वाली सोच है। क्या लगता है कि जो वादे ये कर रहे हैं कि रोजगार देंगे, लंगर चलवाएंगे, ये सब कर पाएंगे? हो पाएगा इसे? कर रहे हैं, शुरुआत हो चुका है। अगर ये केवल सब्जवाग दिखाते तो सोचने वाली बात थी, लेकिन ये अमल में आ चुका है। अभी उससे भी बड़ा बड़ा कार्य ये करने जा रहे हैं, जिसका कुछ जमीन भी तैयार है, वो भी हमने जाना है। राजनीतिक दल के लोग जहाँ संसदीय इलाका में चुनाव की बात कर रहे हैं, जैसे अभी पिछले 10 साल से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है, आखिर क्यों जनता इनके पक्ष में, वो भी निर्दलीय के पक्ष में सामने आ रही है? जनता को जो चाहिए वो मिल नहीं पा रहा, वो सब केवल बेवकूफ़ बनाने वाला कहिए या जो कहिए, लास्ट में लगता है जनता की ठगी गई। जो भी दल मान सम्मान देगा उनके साथ हम लोग जाएंगे, अपना जनता का सेवा कर रहे हैं मिथिलेश बाबा, इसलिए हम लोग साथ आए हैं सबके साथ। वर्तमान जो सांसद है जी, वो तो कहते हैं कि बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा होगा। ना ना, वो क्या करेंगे? वो बढ़िया काम अभी तक दिखाए नहीं, कहाँ का बढ़िया काम हुआ, अब काम छुपा है नहीं, सब आप लोग सब करते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा नया सांसद बने। जनता उनसे भेंट करना चाहती है, वो भागते हैं। हमारा नाम सुपरसन पहलवान हुआ। कहाँ से आए हैं? हम दिनारा से आए हैं सर। मिथिलेश पाठक के सम्मान में बक्सर लोकसभा के जुआ मैदान में नेतृत्व में आए हुए हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, भगवान नारायण स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए मिथिलेश पाठक धर्म के उपासक हैं, जो कि उनके नेतृत्व में ये जनसैलाब आया हुआ है। हम लोग नवजीवक जितने भी हैं उनको सांसद बनाने का ये संकल्प लिए हैं, और हम लोग किसी भी तरह उनको सांसद बना के ही रहेंगे। इसके लिए चाहे जितना जोर जान से मेहनत काहे नहीं करना पड़े। कौन कौन राजनीतिक दल का झंडा है आपके पास? किसी राजनीतिक, अभी कोई राजनीतिक दल नहीं है, हम लोग सनातनी हैं, समझ गए। बस इस बार तय ये है कि बक्सर का सांसद बक्सर का बेटा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तय है। यही संदेश देना है हम लोगों को। ये संदेश देने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा मिथिलेश पाठक के सम्मान में हुई है। क्या कहेंगे आप? न किसी दल की जरूरत है, न किसी बल की जरूरत है, उनका बल अपना ही काफी है, नवयुवक उनके साथ हैं, हम लोग जब तक रहेंगे तब तक लड़ते रहेंगे उनके लिए। चाहे जितना भीड़ है, अब आरोपी के चलते बहुत कम लोग आए हैं। अच्छा एक बात हमको बताइए, न किसी राजनीतिक दल का झंडा और न ही किसी तरह के आम लोगों का, ये क्या आप लोग संदेश देंगे? हम लोग मिथिलेश पाठक को बक्सर का सांसद बनाना चाहते हैं, और इसमें हर वर्ग के युवा शामिल हैं, और युवाओं का ये होश है, जितना परिश्रम करना होगा बक्सर संसदीय क्षेत्र का युवा मेहनत करेगा और मिथिलेश पाठक को सांसद बनाएगा। कहाँ से आप आए हैं? जी हम मानिकपुर से आए हैं, पूर्व पार्षद हुए। कौन विधानसभा? राजपुर विधानसभा। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम अपना? नाम धर्मेंद्र पांडे, पूर्व पार्षद।
पूर्व जिला पार्षद, घर हुआ हमारा मानिकपुर, विधानसभा का नाम है राजपुर, आप घरों घर भाई भैया।